63 में बंदा पहले मेरे को मिला हो ताकि मुझसे बात करें, क्या तभी मेरे को समझ में आएगा। क्यों पे लगाई थी और कहाँ पे है? और ऐसी और भी नहीं है और कमर छोटे कमर दोनों का कोलैबोरेशन से क्या है, मैक्सिमम लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। तो वैसे आप वैसे कौन से इसमें हो? आप बहुत इस प्लेटफॉर्म यूज मैक्सिमम शुक्रिया। क्या हुआ आपको? सर 6 साल हो गया मेरे तो दोनों गोडों को दर्द है, पीछे इसको बन गया रेशा। हाँ बहुत इलाज भी मैंने किया, दवाई भी बहुत दी। कितना उम्र हो गया? तकरीबन 80 साल। तो अभी तो है ना तेल तो कम होगा ना, दवाई छवाई बहुत खाया मैंने डॉक्टर से लेकिन फर्क। चलो अभी ध्यान रखना क्योंकि अभी उम्र भी तो हो रहा है। 80 साल में इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहे तो बहुत बढ़िया है। वाला का शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी सेहत वास्ते बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। अभी तो कुछ हो रहा है, खोलो आंखें खोलो, ठंडा ठंडा लग रहा है, एक ठंड जा रहा है ना। ठीक है मोहम्मद इसहाक है, मैं ब्लॉक सेरी का एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ और मैं आज यहाँ हमारी डामरी में एक जो आर्मी की तरफ से कैंप लगा हुआ है और इसमें हर किस्म की हमें सहूलियात मिल रही है, दवाई से लेकर जानवरों की दवाई से लेकर कंटीन का सामान हर किस्म का हमें यहाँ मुहैया हुआ है। हम इसलिए आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हर मुश्किल के टाइम में ये हमारा साथ देती है। जहाँ के कभी शादी हो हमारी तो कोई हमें टेंट या कोई भी सामान की ज़रूरत होती है तो ये शाना बशाना आर्मी हमारे साथ पूरी मदद करती है और सद्भावना के तहत हमें अगर कहीं जाना भी होता है तो वैसे भी हमें टूर पर भी ले जाया जाता है। तो इसलिए हम अपनी आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे साथ शाना बशाना मदद के लिए तैयार हैं और हमारी अगर कहीं ज़रूरत बने तो हम भी आर्मी के साथ तैयार हैं। बिल्कुल अगर
कुछ भी किसी भी मौके पर हमारी ज़रूरत बने तो जय हिंद, जय भारत, जय सरकार, जय आर्मी। हमारा 33 RR सेना के लोगों ने जो दराट में इधर आज कैंप रखा हुआ है मेडिकल, इसमें काफ़ी तादाद में हमारे लोग गुजर बकरवा लेडीज में जिसमें हैं नमेरी तो के यहाँ बहुत लोग इन्होंने बुलाए हैं, वो सारे को डॉक्टर भी चेक कर रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं। वो कोई गमी खुशी हो, ब्याह हो, शादी हो, उसके पे तरपाल टेंट देते हैं, सामान देते हैं, गरीबों लोगों को भला करते हैं। हमारी कोई भी हो, कोई भी मुश्किल हो, हमारे साथ खड़े रहते हैं। और जो हमारे जो मीडिया के लोग भी हैं जो श्रीनगर में जाते हैं जिस वक्त वहाँ भी मदद करते हैं, और यहाँ आते हैं यहाँ भी मदद करते हैं हमारी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं 6 जगलाई से रिटायर्ड आया हूँ। मैं यहाँ पे पीछे जब एक्समैन रैली हुई थी किलाल के अंदर, तो वहाँ टूएससी साहब और सीओ साहब से स्पेशली हम वहाँ पे जाके मिले थे, और हमने बातचीत की थी कि यहाँ जो लोग हैं ये बकरवाल लोग हैं मैक्सिमम जनाब। ये लोग जो हैं माइग्रेशन करके 6 महीने के लिए श्रीनगर के अंदर चले जाते हैं, और 6 महीने इनका रहना सहना यहाँ होता है, और आपकी तरफ से इनको कुछ ना कुछ मेडिसिन इनके रिलेटिव जो दवाई है वो मिलनी चाहिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे, अगर इसमें सरपंच साहब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे कैंप लगना चाहिए, तो सीओ साहब और टूएससी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे आके एक इतना इमीडिएटली 7 दिन का एक्शन करके यहाँ पे कैंप प्रोवाइड करवाया और लोगों को दवाई के लिए भेजा गया यहाँ पे, और अभी लोग दवाई ले रहे हैं। मैक्सिमम ये हमारा कंडी इलाका पड़ता है, पहाड़ी इलाका, यहाँ के लोग यहाँ से कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो कि चल के यहाँ से उस कलाल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग यहाँ आने में काफ़ी आसानी उनको हो जाती है, और उपला जो रोड का रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो स्पेशली हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे कैंप लगा, थोड़ा सा आर्मी के जो ऑफिसर साहिबान हैं या जवान हैं उनसे भी इन बकरवालों का 6 महीने के अंदर कंडक्ट नहीं होता था, आज इनसे एक दूसरे को आमने सामने मिलने से इनको पूरा पता चला कि साहब हमारी कितनी मदद करते हैं और हमारा यहाँ रहन सहन कैसा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।